यार धूप बहुत है यार आज। यार एनवायरनमेंट डे है, चाकू हो गया, चश्मा हो गया, गंदी टी शर्ट हो गई, और कुछ है। अरे ये क्या हुआ यार, ये पेड़ कैसे सूख गया। अरे यार मम्मी ने कहा था पानी डालो, हमने पानी नहीं डाला यार, क्या करा जाए। आइडिया मिल गया भाई, आज की फोटो तो एकदम वायरल हो जाएगी भाई, लाइक ही लाइक बरसेंगे यार। आज इस पेड़ की मरम्मत मैं करूंगा, थोड़ी बहुत खुदाई कर देते हैं और जो है एक फोटो डालेंगे चश्मा लगा के, और आदमी मुझको भी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट समझेगा। भाई बनियान भी गंदी है यार, धूप भी निकल रही है, चाकू भी गिर गया और पसीना भी जम के निकल रहा है। चलो यार इसमें काम शुरू करते हैं पहले, वरना 5 जून निकल जाएगी और हम बातें करते रह जाएंगे। चलो चलो यार, खुदाई तो कर ली मैंने यार, बहुत गर्मी है यार जी। यार कैसे डाल लेते हैं फोटो इंस्टाग्राम फेसबुक पे यार, पौधा लगा लगा के यार, हैं हम पे तो एक पौधा नहीं लग रहा। अब ऐसा करते हैं थोड़ा हाथ पैर गंदे कर लें, इधर मिट्टी टिट्टी लगा लें थोड़ी, भारत माता की जय, मिट्टी लगा लेता हूँ टीका। आज अब तो भाई एकदम, अब किसे क्या पता चलने वाला मैंने पौधा क्या लगाया। चलो भैया पौधा लग गया मेरा, हाथ पैर गंदे होगा थोड़े लगा ले मिट्टी इधर उधर। चलो भैया कपड़े गंदे कर ले, अब सही लग रहा है, चाकू वाकू हटा ले। इतनी मेहनत के बाद फोटो तो भैया जबरदस्त आनी चाहिए, फोटो नहीं जबरदस्त है तो बेकार है मामला। चलो भैया इतनी गर्मी है यार बहुत ज्यादा, बस फोटो अपलोड करते जल्दी से, फोटो के लिए तो पसीना ही निकलता है। और कौन सा यार, हम डेली पानी डालते हैं पौधों में यार, वो तो यार जो पर्यावरण दिवस था तो हमने सोचा लाओ कर दे थोड़ा हिसाब किताब, तो ये फोटो यार आई बढ़िया है यार। चलो इसको हम डालते हैं। अरे और भाई कैसा है, अच्छे बहुत दिनों बाद मिला यार। और भाई यार बढ़िया। अरे यार कुछ नहीं यार, मैं अभी लौटा यार, लॉकडाउन लग गया था तो वहां पे जो नौकरी कर रहा था वो नौकरी मेरी छूट गई, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने घर चला जाए फरखाबाद। अच्छा वैसे तुमने देखा फरखाबाद चेंज कितना हो गया है यार, मतलब जो पहले वहां पे रोडें थी, तो फतेहगढ़ जा वहां पे तो भाई क्या बनवा रहा है तू यार, चला लगा सरकार तो सड्डी अपनी है, बहुत पोस्ट लगा रहे हैं बेटे, सरकार तो सड्डी अपनी है। लेकिन यार ये बता तू पसीने में इतना भीग कैसा गया यार। अरे पसीने में यार इसलिए भीग गया, आज वो था एनवायरमेंट डे तो। अच्छा, बस यार थोड़ा पौधे वौधे, तुम जानते हो हम कितने बड़े, हम यार पेड़ों के प्रति जो है कभी भी हिंसा तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते यार, हम तो इस टाइप के आदमी है। और तुम मेरा अकाउंट देखो जाके फेसबुक पे भैया, तुम्हें पेड़ों के प्रति जो मेरा प्यार है ना वो तुम्हें दिख जाएगा। अच्छा फोटो देखो तुम आज की, इतनी मेहनत करी है भाई फोटो के लिए यार, तुम फोटो देखो आज की, ये लो भाई तेरी। अरे भाई मेरे भाई की मेहनत की फोटो है यार, है तो ये मेहनत एक ही दिन करते हो या डेली करते हो। हाँ जब मैं फतेहगढ़ से आ रहा था, मैं जब ट्रेन से स्टेशन से उतरा तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा घूम लिया जाए। हनुमान मंदिर के पास से तूने देखा दो पेड़ थे बड़े बड़े, देखे थे, और वो कितने मतलब कितने पुराने, कितने विशाल, कितने समृद्ध पीपल के पेड़ थे, वो यार काट दिए हैं। अरे वो ऐसा था ना, वहां पे लगता था बहुत जाम, और जाम से निजात पाने के लिए जो ओवर ब्रिज था वो बनाया गया था। और तब तू कहाँ था भाई मेरे, क्यों अगर यही पसीना अगर तूने उस दिन निकाल लिया होता वहां पे। भाई ऐसा होता है ये जो पेड़ होते हैं ना, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप है, मैं अभी कानपुर में था तो मैंने देखा कि जो रोड जा रही है तो वहां पे पेड़ का उन्होंने एक चबूतरा सा बना दिया है, बाउंड्रीज बना दी है, और रोड जो है ना वो थोड़ा ऐसे बैंड होके गई है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना इतना, तो वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी हो सकती थी अगर भाई तुम लोग चाहते। ठीक है वैसे तो मैंने देखा है यार फेसबुक पे हर जगह, बहुत जगह जो है इस समय आदमी फोटो डाल रहा है, और वैसे बहुत सारे युवा नेता भी सक्रिय हो जाते हैं भाई, मूछें निकलती रही है, युवा नेता पहले बन जाते हैं, तो यार वो भी थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा काम करते हैं क्योंकि उनके पास पावर है, कोई आम आदमी जाएगा उसे तो भाई पुलिस वाले लठिया देंगे। अब तुम युवा नेता वाला प्रचार चाहे पाँच वो एकदम पजम्मा जम्मा पहन के जाओगे ना तो आदमी तुम्हें कुछ कहेगा ही नहीं। तो ये जो बातें होती ना, मैं तो मेरे दोस्त हो इसीलिए कह रहा हूँ, ये जो तुम यार ज्यादा कहूंगा तो तुम चाय भी नहीं पिलाओगे। मैं यार हर साल देखता हूँ कि कितने लोग आते हैं पौधे लगाते हैं क्या, और एक फोटो भी बहुत, जैसे तुम्हारे ऐसे उनके कीड़ा होता है फेसबुक, या वो फोटो भी खिंचाते हैं,
क्या कभी उस पौधे लगाने के बाद अगले दिन, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद कभी उसके पास गए हो? कभी तुमने पूछा है पौधे से कि क्या तुम्हें कुछ जरूरत है? क्योंकि पौधा खुद बोलता है, अगर आप पेड़ों से प्रेम करते हैं तो आप पेड़ों की भाषा समझ जाएंगे, लेकिन नहीं है। तुम्हें तो बस एक फोटो चाहिए और तुमने जो है नन्हे पौधे की जिंदगी खराब कर दी। जब तुम एक बड़े पेड़ को नहीं बचा पाए तो तुमने छोटे मोटे पौधे लगाने से क्या फायदा? इससे बड़े नौटंकी बंद करो, लॉकडाउन चल रहा है, घर में बैठो आराम से यार। लेकिन नहीं। तो यार एक बात है यार, कि अगर तुम उस दिन जिस दिन वो पेड़ कट रहे थे, अगर तुम वहां पे जाते, चिपको मूवमेंट की तरह उन पेड़ से चिपक जाते, तब तुम अपनी फोटो डालते, तो वाकई में यू वर द रियल हीरो। ये होती है एक हीरो की पहचान, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, वैसे तुम पौधे लगा रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। वो पौधा जो है, क्योंकि एक नियम होता है कि जो सक्षम है वही जीवित रहता है। वो पौधा अगर अपने आप में सक्षम होगा तो वो जीवित रह जाएगा, ठीक सही कह है। रहे हो। लेकिन मेन बात कहाँ आती है कि जो चीज़ बनी है कम से कम उसे तो प्रोटेक्ट करो। जिसके लिए आप बने हो, अगर आप नेचर लवर हो तो कम से कम नेचर को प्रोटेक्ट करो ऑन द डेली बेसिस, ये नहीं सिर्फ एक दिन के लिए। ठीक, तो यार अब हमें इतना बता दो, क्या चाय मिलेगी? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप यार, आपने बिल्कुल सही कहा यार। अब तो तुम दोस्त से ज्यादा मैं तुमसे आप कहूंगा, क्योंकि जो तुमने मुझे आईना दिखाया है वो वाकई में जो है, मैंने आईना देख लिया है, मैं समझ गया है कि जो एक एक दिन से कुछ नहीं होता है, अगर हमको कुछ करना है तो डेली करना है। बहुत दुख हो रहा है मुझको कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता हूँ। मैं क्या, ये सब लोग इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं?